कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है, हिमाचल से लेके केरल तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक परिंदों की मरने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये हैं वो छह राज्य जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस चार दूसरे राज्यों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जी, हमारा कंट्रोल रूम लगातार सभी प्रदेशों के संपर्क में है। जो जिस प्रदेश सरकार को जो मदद चाहिए वो केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के पोंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप है। यहाँ हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया। सरकार चौकन्नी है, अलर्ट जारी है। सारे एरिया को जो है उसको हमने रोका है, बाकी पशुओं को वहाँ जाने से, आदमी को जाने से लगभग जो एरिया जो 10 किलोमीटर के एरिया में हमने जो है सर्विलेंस रखी है उसमें, कि वहाँ कम से कम जो है वो हम कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, पशु ना जाएं, जानवर ना जाएं, इस दृष्टि से हमने वो कोशिश की। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कौओं की मौत से यहाँ हड़कंप है। 5 सैंपल जालंधर भेजे गए हैं, जिनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद 8 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया। आसपास के इलाकों में चिकन, मछली और अंडा बेचने पर रोक लगा दी गई है। तो अभी पाबंदियाँ वैसे ही हैं सर, कि और किलोमीटर बढ़ाए गए। दायरा हमने रखा हुआ था, अलर्ट जोन रखा हुआ है, उसके अलावा सर्विलेंस जोन रखा हुआ है। 0-1 किलोमीटर अभी भी हमारे लिए इन्फेक्टेड एरिया हम मान के चल रहे हैं, उसमें अलर्ट है, काफ़ी हाई अलर्ट है। और उसके अलावा 1-10 किलोमीटर फेरी से है, उसको ऐसे सर्विलेंस जोन अभी रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पठानकोट का वाइल्ड लाइफ विभाग अलर्ट पर है। यहां 5 टीमों का गठन किया गया है जो रंजीत सागर डैम को मॉनिटर कर रहे हैं। रंजीत सागर डैम की झील में हजारों माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं। यहां लोगों से कुछ दिन तक पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसी बीमारी या मरे हुए पक्षी के मिलने पर फौरन सूचना करने की अपील भी की गई है। पोर्ट के निवासियों को यह भी कहना चाहना कि किसी तरह के डरन की या पैनिक की जरूरत नहीं है। अजे तक सिचुएशन वैल इन कंट्रोल है और साड़ियाँ टीमें जिहड़ियां वो एरिया वेख रही हैं। एनीमल हस्बेंडरी ते वैटनरी डिपार्टमेंट जिहड़ा पोल्ट्री नूं देख रहा है, अवेयरनैस कैंप ला के जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी तुहानूं पंछी जे कोई अणसुखावी घटना वापरदी है ओहदी तुरंत खबर विभाग नूं दित्ती जावे। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से पहाड़ों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने के लिए कहा है। वहां भी पार्कों में साफ सफाई बरती जा रही है। वायरस की दहशत पंजाब तक पहुंच गई है, लेकिन पंजाब में अभी तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के खंगेसरा गांव में सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां मिली, इससे गांव में दहशत है। हैरानी तो ये है कि खबर के बाद भी प्रशासन नहीं जगा और गांव वालों ने खुद ही जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफना दिया। 2 दिन पहले ही पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। आज तक ब्यूरो।